आज हम देखने वाले सीबीएसई क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर या साइंस का सिक्स चैप्टर, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। तो हम अभी पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर बाद में हम स्लोली मूव करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस की तरफ। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, हैविंग लाइफ या अलाइव, या जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जीवित, जिंदा है, मतलब इस सब चीज का मतलब क्या है, कोई भी चीज जीवित है या लाइव है। व्हाट इज इन बाय अलाइव, दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाइव आर द नॉन लिविंग थिंग्स। और फिर लिविंग थिंग्स को बोलेंगे द थिंग्स व्हिच आर अलाइव आर कॉल्ड एज द लिविंग थिंग्स। ठीक है, अभी इसमें लिविंग थिंग्स कौन सी है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स। प्लांट्स एंड एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो हमें देखना पड़ेगा, हम प्लांट्स एंड एनिमल को लिविंग बोल रहे हैं, तो कौन से क्राइटेरिया है लिविंग के लिए, कौन से क्या है क्राइटेरिया है। तो हम कैसे बोलेंगे कोई चीज जीवित है, जिंदा है या अलाइव है। तो फर्स्ट चीज है उसके लिए, आप अगर यहाँ पर पहला वाला पॉइंट देखोगे, मूवमेंट। अगर किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है उसका मतलब क्या है, वो चीज अलाइव है। दूसरा क्राइटेरिया है थिंग्स विच मूव बाय देमसेल्फ्स विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। तो इसका ये थोड़ा एलाबरेट हो गया है कि मूवमेंट मतलब किसी हेल्प के बिना वो चीज मूव हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइव। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो प्लांट्स भी बोल रहे हो, लेकिन प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते नहीं है, हाउ दे आर अलाइव। ठीक है, अब उसका भी आंसर आपको आगे मिल जाएगा। इसमें दोनों में एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है, और प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो क्या रहती है, यूजुअली स्लो। अभी एनिमल के केस में हम अगर आप देखेंगे तो एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, ह्यूमन बींग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या कोई भी एनिमल हो, डॉग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स में हमें किस किस चीजों की मूवमेंट दिखेगी, लीव्स के केस में मूवमेंट दिखेगी आपको, लीव्स, फ्लावर, शूट्स या रूट्स, इस सब चीजों में आपको मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन सर आप पूछोगे सर ये तो मैंने कभी देखा देखा नहीं कि फ्लावर्स इधर ये हो रहा है उधर हो रहा है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखो अभी एग्जाम्पल से पहले वो स्टिम्यूलस क्या है ये देख लेते हैं। अब इसके लिए स्टिम्यूलस क्या रहेगा, सनलाइट। मतलब किस चीज की वजह से वो मूव करेगा, स्टिम्यूलस मतलब क्या है, किस चीज की वजह से। सनलाइट की वजह से प्लांट के कुछ पार्ट्स मूव करेंगे, ग्रेविटी, अपना जो ग्रेविटी रहता है ना अर्थ का ग्रेविटी, वो ग्रेविटी, और वाटर मतलब पानी के लिए भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट मूव कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने सनफ्लावर का जो फ्लावर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, किसकी तरफ, सन की तरफ। जैसा सन मूव करेगा ड्यूरिंग अ डे टाइम, उसी तरह से सनफ्लावर का जो फ्लावर है उसी डायरेक्शन में वो हमेशा रहेगा। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, स्टिम्यूलस के हिसाब से फ्लावर के मूवमेंट हो गए। एक प्लांट है, इंग्लिश में नाम है या साइंटिफिक नाम बोल सकते हैं, मिमोसा पुडिका प्लांट। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा पुडिका प्लांट। इसमें क्या है, आप देखोगे ये प्लांट इस तरह से दिखता है। अगर हमने यहाँ पे देखो, ये चार उसके अलग अलग टहनियाँ हैं, इन दोनों को यहाँ पे देखो, फिंगर से इन दोनों को क्या किया है, टच किया है। तो वो क्या हो रहा है, टच करने के बाद फोल्ड हो रहा है, दीज लेज आर गेटिंग फोल्ड अप टचिंग विद द फिंगर्स। तो ये क्या हो गया, इसका मूवमेंट हो गया प्लांट का कुछ स्टिम्यूलस के बाद, क्या हो गया, स्टिम्यूलस के बाद मूवमेंट हो गया। अभी हमने देखा प्लांट में एनिमल्स में मूवमेंट होती है कुछ एग्जाम्पल के साथ। अभी फिर आप पूछोगे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में मूवमेंट नहीं होती है, दे कैनॉट मूव बाय देमसेल्फ्स। टच मी नॉट प्लांट में या सनफ्लावर कुछ स्टिम्यूलस के बाद तो एटलीस्ट मूवमेंट हो रही है ना। लेकिन अब और पत्थर देखो, तो उस केस में खुद मूवमेंट करता है क्या पत्थर, या कोई भी चीज हो जो नॉन लिविंग है, अपना मोबाइल देखो, खुद मूव नहीं करेगा वो, अगर हमें खुद से उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे रहने का, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये हो गया व्हाट इज मीन बाय अलाइव एंड
नॉट अलाइव या लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी देखो ये लाइव प्रोसेस से पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा अलाइव लाइव लाइफ क्या होती है, फिर बाद में आप लाइव प्रोसेस देखेंगे और फिर अपनी पहली प्रोसेस चालू करेंगे। इसलिए हम थोड़ा बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन सेशन पे ज्यादा ये कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। अब देखो आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग किससे बने रहते हैं, सेल्स से रहते हैं, जिसका बेसिक यूनिट क्या रहता है, सेल रहता है। और सेल्स क्या है, सेल और स्मॉलर पार्टिकल से रहते हैं। अब देखो सेल्स के आपको सेल ऑर्गेनिल्स पता है, लेकिन वो भी किससे बने रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल से बने रहेंगे। और ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है ना, ये मॉलिक्यूल के मूवमेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग या कोई एनिमल में बहुत ही इनविजिबल रहती है। और दिस इनविजिबल मूवमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, मतलब हम सिर्फ अपनी खुले आंखों से क्या है उसको देख नहीं सकते। अब ये हो गया प्लांट और एनिमल किससे बने रहते हैं। अभी वायरस के बारे में देख लेते हैं। इनफैक्ट वायरसेस, ये वायरसेस है, वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अनलेस एंड अंटिल दे कोई लिविंग थिंग्स के अंदर जाए। अभी देखो आप लोगों ने, अभी कोरोना वायरस का ये चल रहा है, डिसीज चल रहा है, आप लोग लॉकडाउन में घर पे बैठे होगे। ये वीडियो मैंने कोरोना लॉकडाउन के टाइम में लॉकडाउन के, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अभी वायरस चीज ऐसी होती है कि ये क्या करती है, ये बाहर जब होती है मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो ये नॉन लिविंग जैसा ही ये करता है। लेकिन जब ये कोई लिविंग थिंग्स के अंदर जाती है, कोई बॉडी के अंदर जाती है, तब एक्टिवेट होती है, तब अलाइव होती है। इसीलिए साइंटिस्ट को इसको समझ में नहीं आता कि इसको लाइव मानना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी देखो आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड पे पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया की बहुत सी लाइव प्रोसेसेस होती है, इसीलिए हम उसको, अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई डिसीज होगा तो उसको वो इजी हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ वायरस वो लाइव अलाइव है, यही कॉन्ट्रोवर्सी है। तो उसका हमें डिसीज का कोरोना के केस में मतलब जो दवाई है या जो मेडिसिन फाइंड करना कितना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए जो कोरोना का इश्यू है ना, ज़्यादा टाइम क्यों चल रहा है, क्योंकि ये जो वायरस है इसकी लाइव प्रोसेस हमें समझ के उसके ऊपर फिर बाद में मेडिसिन निकालना पड़ेगा, इसलिए टाइम ले रहा है। चलो ठीक है, हम आगे जाते हैं अभी। तो इसीलिए वायरसेस दे आर नॉट अलाइव और दे आर नॉट एक्टिव आउटसाइड द एनी सेल, बट व्हेन दे इन्फेक्ट द सेल देन दे बिकम एक्टिव। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट आर ऑल्सो कंफ्यूज, या साइंटिस्ट भी श्योर नहीं है कि वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। चलो अभी हम क्या देख लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, ये उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर, तो कोई भी लिविंग थिंग्स होगा तो उसको फूड एयर एंड वाटर चाहिए। आप बोलोगे कि सर ट्रीज को तो फूड नहीं लगता है, लेकिन देखो उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स तो लगते हैं ना, हम जो फर्टिलाइजर के हिसाब से देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स इनडायरेक्टली दे रहे, और वो ट्री क्या बनाता है, खुद का फूड बनाता है, तो इसीलिए उसको अलग से जरूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स कैन गो, प्लांट्स एनिमल बोथ कैन गो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ वो भी मैक्सिमम ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंडिंग, यार सेंसिटिव। देखो अगर हमें कुछ गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो हम क्या करेंगे, उसको टच बाहर हाथ निकालेंगे। उसी तरह से जैसा टच मी नॉट प्लांट में देखा हमने, वो भी रिस्पॉन्ड करता है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रेस्पायर मतलब क्या है, वो कुछ गैस अंदर लेता है बाहर छोड़ता है। इनकेस ऑफ ह्यूमन बींग हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और नाइट केस में अपोजिट करता है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, मतलब जो अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर बॉडी से क्या जाता है, बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव यंग वंस, मतलब इनके हिसाब एनिमल्स उसका डुप्लीकेट कॉपी होता है, और इनके हिसाब प्लांट सीड के हिसाब से हम नया प्लांट भी आ सकता है। सो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग थिंग्स के, ये याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो इसकी आपको पॉज करके कैरेक्टर्स लिखना है तो लिख सकते हो। चलो नाउ अभी व्हाट आर द लाइव प्रोसेसेस, ये अपने चैप्टर का मेन एम है, लाइव प्रोसेसेस। अब देखो अपनी जो बॉडी है ना, बॉडी का हमेशा मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ये इंडायरेक्टली होता रहता है, सिर्फ हम फूड खाते हैं तो उसकी वजह से ये मेंटेनेंस होता था। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर हम सो रहे हैं या क्लास में बैठे या कहीं भी जगह पे बैठे हैं, हमें लगता है कि कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है,
लेकिन इनसाइड द बॉडी कुछ एक्टिविटीज हमेशा होती रहती है, जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं, डाइजेशन हो रहा है, तो ये बहुत सी एक्टिविटीज ऐसे बॉडी के अंदर भी होती रहती है। द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर द लाइफ प्रोसेसेस। ये जो भी प्रोसेसेस है ना, हमारे जो बॉडी का लाइफ मेंटेनेंस, एनर्जी देती है, सब करती है, इसको हम सब को मिला को क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये देखो यहाँ पे बोर्ड में मैंने डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अभी कौन से इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये देखो मैंने सिर्फ नाम बताए, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, हर एक प्रोसेसेस का यूज देखेंगे, क्या क्या का मतलब यूज नहीं बोलेंगे, वो कैसे हो, क्या 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 करते हैं उस प्रोसेस में। न्यूट्रिशन में क्या होता है, वी टेक द फूड इनसाइड द बॉडी एंड देन इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फूड क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी में देते हैं और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है और विच कैन बी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। ये क्या है, न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस है उसका है। रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन मतलब वी टेक द, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी टेक द ऑक्सीजन, और इन जनरल बोलेंगे तो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड आइटम्स। जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है उससे अगर एनर्जी रिलीज करना है वो रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में आएगा। ट्रांसपोर्ट, नो ट्रांसपोर्ट इज द, ट्रांसपोर्ट हम जो रियल लाइफ में देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, वैसा हमारी ह्यूमन बॉडी में भी, जो सपोज हमारे न्यूट्रिएंट के केस में जो ग्लूकोज बना है डाइजेशन के बाद, तो वो सब बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से जो ट्री भी या जो झाड़ अपने जो रहते हैं ट्रीज, ये जब फूड बनाता है तो वो जो स्टार्च है तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे वो स्टोर करने के लिए भेज देगा या दूसरे पार्ट्स को यूज करने के लिए भी भेज देगा, वो ट्रांसपोर्ट हो गया। एक्सक्रीशन इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और इन केस ऑफ एवरी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जो भी अनवांटेड फूड है वो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिर्फ एक सेंटेंस बता देता हूँ, क्योंकि आपका 7th नंबर का चैप्टर साइंस का ये सेपरेट चैप्टर है इसके ऊपर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो दिस इज द रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। अब इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या रहता है, हमने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट्स को हाथ लगा लिया तो हमने झटक से हाथ निकाल लिया, क्यों, क्योंकि गर्म है वो ऑब्जेक्ट इसीलिए। तो ये क्या हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज है हम उस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ग्रोथ, जैसे कि छोटा बच्चा है तो वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ हो रही है, छोटा प्लांट से बड़ा, तो ये इनडायरेक्टली ग्रोथ हो गया। मूवमेंट का तो हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब टू मेक द सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। तो क्यों, क्योंकि लाइफ कंटिन्यू होनी चाहिए ना ह्यूमन बींग्स, आगे उसकी पीढ़ी बढ़नी चाहिए हम बोल सकते हैं। या ट्रीज, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ हमेशा रहना है, तो क्या है अगर वो 10 20 साल 30 साल के बाद आम का पेड़ पुराना गया तो नया होना चाहिए ना, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। चलो अभी आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन ये है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, कौन सी है, न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय फूड, फूड इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल शुगर। लेकिन जो ट्रीज में बनता है ना उसका फॉर्म वो रहता है स्टार्च। वो कौन सा फॉर्म में रहता है, वो रहता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज, स्टार्च इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टार्च इज मेड फ्रॉम। तो जनरल नेम लाइक ग्लूकोज और शुगर एंड स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ग्लूकोज मतलब एक जनरल फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट, उसको हम जेनरिकली बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट कॉमन नेम, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हीट या पैडी, उसमें सब के अंदर क्या रहता है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, फूड क्या है इसके अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर फूड, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड आइटम्स। देखो हमारे बॉडी को बहुत से विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज लगता है, तो ये सब जो मिला के है ना उसको हम क्या बोलते हैं, फूड। जैसे कि कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट, इन सब को मिला के हम बोलेंगे दिस इज द फूड। चलो फिर न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, जो हमने अभी ऊपर जो डिस्कस किए थे ना कौन से फूड है, तो उसको अंदर लेना बॉडी के अंदर एंड यूटिलाइजिंग यूटिलाइज इट
मतलब हम उसको यूटिलाइज करके एनर्जी निकालेंगे उससे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट। एनर्जी इमिडिएटली नहीं निकलेगी, लेकिन उसको ही हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बाद में। तो सिर्फ न्यूट्रिशन के डेफिनेशन लिखने तो कैसे लिखोगे आप, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखो अभी मोस्ट सिंपल टर्म में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट देखो, देखो हम बोलेंगे इसमें ये न्यूट्रिएंट है, उसमें ये न्यूट्रिएंट बोलते हैं, तो उसको स्पेसिफिकली कैसे बोलेंगे। द न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स यूजेस इज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये आपको न्यूट्रिएंट की इस टाइप से डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब वही है कि हमने जो अभी पुराना देखा था ना, वही है कि एनर्जी यूज करने के लिए और टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाने के लिए या उसका मेंटेनेंस के लिए उसको चाहिए होगा। जैसे कि अभी एग्जांपल में वही बताया, कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर द, हाँ ये देखो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसका दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट दो लाइन्स अलग है और नेक्स्ट दो लाइन। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रहता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये क्या करता है, अपने बॉडी को एनर्जी देता है। दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट फैट्स इट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन प्रोटीन्स और मिनरल्स, मिनरल सॉल्ट्स आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक स्किन और ब्लड। तो स्किन और ब्लड कौन बनाता है, ये प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि स्किन का कोई बीमारी हो या आपके हेयर या स्किन पे जो ग्लो है ना, तो डॉक्टर जनरल रिकमेंड करते कि आप प्रोटीन ज्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि स्किन और ये किससे बना रहता है, मेनली प्रोटीन से बना रहता है। तो इसीलिए प्रोटीन्स एंड मिनरल्स दे कॉन्स्टिट्यूंट द स्किन एंड ब्लड ऑफ आवर बॉडी, एंड कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या करता है, एनर्जी देता है अपने बॉडी को। अभी देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो हर एक एनिमल क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अलग टाइप से अपना अपना न्यूट्रिएंट लेता है। तो इसके हिसाब से दो मेन टाइप्स हैं, एटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। व्हाट इज मीन बाय एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक का होता है मतलब है कि जो खुद का फूड फूड खुद बनाता है उसको एटोट्रॉपिक, और जो हेटेरो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। अभी एटो का उसका थोड़ा जो एटो वर्ड है ना इंग्लिश में AUTO, एटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक या ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। एटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, दस एटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। एटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन। तब देखो एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ पे होता है, मेनली ये प्लांट के केस में होता है। तो प्लांट्स क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग लाइक अ सनलाइट एनर्जी, वो क्या करती है अपना खुद का फूड खुद बनाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जो फूड बनाती है वो फूड क्या कर क्या रहता है, हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल। जो प्लांट्स फूड बनाती है दैट इट इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल लेके ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या रहता है, ग्लूकोज ही रहता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक मटेरियल बनता किससे है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कौन से है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, इनऑर्गेनिक, लेकिन जो फूड बनाएगा वो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा। तो कौन कौन से है जो ये फूड बनाते हैं, एक तो हो गया ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पे देखो ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और जस्ट एटोट्रॉप्स। अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकती है, खुद का फूड खुद बना सकती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उस जो प्रोसेस रहती है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया है, उसको आपका डेफिनेशन अगर लिखना है तो इस तरह से, द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन नीचे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन याद रखना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको कभी कभी केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ये इस टाइप का रिएक्शन। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 12 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अभी क्लोरोफिल क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो उससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कभी कभी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दिखा जाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये किसका रिएक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, जैसा कि ये फूड आइटम यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे एक्सक्रीट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आइटम और पानी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये पहला स्टेप से देखो, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले स्टेप में क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी या सनलाइट एनर्जी वो ट्रैप करेगा। अभी इस एनर्जी का कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये क्लोरोफिल में क्या हो जाएगी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। अभी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये दूसरी स्टेप होती है। ऑन देन थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपको तीन स्टेप्स याद रहना जरूरी है। पहला क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेप्स इसी सीक्वेंस से होगी, ये कंपलसरी नहीं है। आपको पता होगा कुछ डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं, डेजर्ट मतलब जहाँ पे पानी बहुत ही कम है, वहाँ पे जो प्लांट्स आते हैं उस प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के समय में बहुत सनलाइट होने की वजह से उसके जो स्टोमेटल ओपनिंग पोर्स है ना, वो ओपन नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको पानी जो रहता है उनके अंदर का, वो दे हैव टू कंजर्व या दे डोंट हैव टू लूज दैट वाटर। उसके लिए वो दिन में उसके पोर्स नहीं खोलेंगे, रात में ही खोलेंगे। इसीलिए वो क्या करेंगे, रात के समय में ड्यूरिंग अ नाइट टाइम दे विल एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वो क्या करेंगे, रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एब्सॉर्ब किया है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेंगे। एंड जब दिन में सनलाइट एनर्जी आएंगी, तब देन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे विल प्रिपेयर देयर फूड। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो ये क्या हो गया, ये जो ऊपर के तीन स्टेप से इसी ऑर्डर से होगा, ये हर एक ट्री में कंपलसरी नहीं है। डेजर्ट प्लांट में क्या होगा, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, देन दे विल कन्वर्ट इनटू द इंटरमीडिएट, एंड उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद ड्यूरिंग द डे टाइम जस्ट व्हेन सनलाइट विल कम, उसको वो कन्वर्ट कर देंगे फूड आइटम्स में या ग्लूकोज में। चलो अभी फोटोसिंथेसिस में कौन से जो स्टेप्स है ना, मैं अभी देखे वो थोड़ा एक एक पॉइंट में डिटेल में देख लेते हैं। द ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय कंबाइनिंग, वो देखा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मिलता है उनको, स्टोमेटल ओपनिंग से मिलता है। यहाँ पे देखो, स्टोमेटा से द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। अभी सॉइल से क्या मिलेगा, सॉइल से उनको मिलेगा मेनली वाटर। द फूड विल, वाटर किससे मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, ये यहाँ पे यही बता गया, थ्रू द रूट साइंस टाइम वो वाटर आएगा। सनलाइट कहाँ से, सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीव्स के अंदर। और ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन क्या क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा व्हिच गोज इनटू द एयर। अभी ये सब चीजें यूज करके प्लांट क्या करे, बनाएगी फूड बनाएगी, व्हिच इज नथिंग बट द ग्लूकोज। अभी क्या होता है, जब एक्स्ट्रा फूड ये ग्लूकोज होगा ना, तो दिस ग्लूकोज कुछ लीव्स में बन गए, स्टेम क्या है, कुछ स्टेम्स भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से वो लीव्स में होता है। जो एक्स्ट्रा फूड लीव्स में बनेगा ना, वो स्टेम्स रूट की तरफ जाएगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन उसके बाद भी जो बचा हुआ फूड है, इट विल बी स्टोर्ड। वो क्या करेंगे, वो स्टोर करेंगे, कौन से फॉर्म में स्टोर करेंगे एक्स्ट्रा वाला फूड, वो एक्स्ट्रा वाला फूड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इन टू द अनदर फूड इज कॉल्ड एज स्टार्च। तो जो भी फूड एक्स्ट्रा होगा प्लांट में, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट में, स्टार्च। ये आपको याद रखना जरूरी है। और ये स्टार्च स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। देखो अभी ये हमने देखा कि प्लांट में, सिमिलरली ये चीज भी याद रखो, जो ह्यूमन बींग में जो एक्स्ट्रा फूड रहता है ना,
वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो ह्यूमन बींग में एक्स्ट्रा फूड किसके जो होता है डाइजेशन के बाद स्टोर, ग्लाइकोजन के। देखो अभी हमने देखा कि सनलाइट की एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो ल्यूज में ट्रैप होती है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और जब हम फूड आइटम्स खाते हैं ना, तो वही केमिकल एनर्जी क्या होती है, हमारे बॉडी में फिर से रिलीज होती है। मतलब इनडायरेक्टली सनलाइट टू केमिकल, केमिकल टू फूड आइटम में स्टोर हुई ही, और वही फूड आइटम की हमारी जब बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी वही एनर्जी यूज करेंगे। तो ये साइकिल है पूरा। अब हम क्या करेंगे, लीफ के बारे में देखेंगे कि हाउ द फोटोसिंथेसिस ऑकर, उसके डिटेल लीव्स के कौन से पार्ट है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो देखने वाले। तो देखो एक डायग्राम है और दूसरा डायग्राम है, दोनों डायग्राम आपको डिटेल में कंपेयर करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि लीव्स के लेयर कौन से है, स्टोमेटा ओपनिंग कौन सा है, कैसा रहता है। अब देखो ये डायग्राम देखो, फिर से मैं उस डायग्राम पे 3D डायग्राम पे भी आता हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की फिगर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये बीच में वाला एक नोड है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिब बोलेंगे, इस तरह से वेन्स है। यहाँ पे देखो आपको दिखोगा जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बारे में हम पढ़ने वाले आ गए, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता हमने। ये जो व्यू लिया है ना, ये जो यहाँ पे लीव्स का वेन का जो व्यूज है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये लीव्स क्या है, काटा हुआ, ये ऊपर का भाग है और ये नीचे वाला है। तो ये पूरा पूरा जो है ना राइट यहाँ पे दिख रहा हुआ, ये इतना लीव्स का थिकनेस है ये। तो ऊपर के भाग इसको क्या बोलेंगे हम, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक थोड़ा क्यूटिकल का लेयर रहेगा। देखो आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो ग्रीनिश पार्ट है उसको हम क्यूटिकल बोलेंगे, और यहाँ पे जो नीचे वाला लेयर है ना, इसको एपिडर्मिस, इसको अपर एपिडर्मिस बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर के साइड इसलिए अपर, नीचे के साइड पे इसलिए लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस ले, यहाँ पे जो ना ये गार्ड सेल्स रहेंगी, और ये स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग मतलब क्या, जहां से हवा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो इस तरह से। और ये अंदर क्या रहेगा, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जैसा क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट रहेगा, और ये वेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे भी ये फिगर आपको अगर ड्रॉ करने के लिए आए, तो इस तरह से फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये वैक्सी ऊपर लेयर, क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे कुछ एयर स्पेसेस दिखा दो, इस तरह से ऐसा डायग्राम निकालना पड़ेगा। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, ये एयरफिल, और यहाँ पे देखो नीचे से रहेगा वो अपनी गार्ड सेल का। हम देखेंगे मोस्टली कुछ कुछ मोस्टली प्लांट्स में ये नीचे से रहेगा, और ऊपर के इसमें क्या रहेगा, स्टोमेटो ओपनिंग नहीं रहेगा। तो कब होगा और कब नहीं होगा, हम डिटेल में आगे देखने वाले। यही डायग्राम देखो, ये थोड़ा इसमें है, इस टाइप से भी ये अच्छा डायग्राम लगेगा। तो आपको देखो समझने के लिए, लेकिन ड्रॉ करते समय इस टाइप का ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर, अब देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी कंडीशन जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहली कंडीशन है सनलाइट, सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है वाटर। सो दीज आर द फोर कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी सनलाइट, अभी ये एक एक हर एक देखेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं कि कुछ जेनरिक, कि हम कुछ एक्टिविटी करने से पहले क्या जेनरिक है, और बाद में सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की एक्टिविटीज भी देखेंगे हम। देखो हम एक्सपेरिमेंट में ग्रीन लीव्स मेक द स्टार्च एज फूड, तो ये हम इस फैक्ट्स पे डिपेंड है, ये जो नीचे है ना, ये हमें ऑलरेडी नोन फैक्ट्स है, ऐसे हमें कंसिडर करके चलना है। द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट ग्रीन लीव्स मेक्स द स्टार्च एज फूड, जो हमने ऑलरेडी देखा है। देखो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर इन आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च क्या करता है, गिव्स द ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन। We would destar the leaves of the plant before using it in the photosynthesis experiment. हमें क्या करना पड़ेगा, photosynthesis experiment से पहले उसको destarch, मतलब हमें उससे सब का सब फूड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, We will keep this plant for 3 days. हम उसको क्या करेंगे, 3 days के लिए कोई ऐसी जगह पे रखेंगे कि वो destarch हो जाए। और पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट मतलब जो भी पॉट्स में हम प्लांट लगाते हैं ना, जो कुंडी बोलते हैं हम उसको, उसमें अगर जो प्लांट लगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, घर के अंदर या बाहर जो कॉर्नर में रहेगा, पॉटेड प्लांट्स। अ वेरिजिलेटेड लीफ इज अ लीफ विच इज बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स।
तो आपको बहुत बार आपके एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में भी यही है, वेरी रिलेटेड लीप, मतलब जिसके बहुत ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स है उस टाइप के लीप को हम क्या बोलेंगे, वेरी रिलेटेड लीप। तो ये याद रखना, पॉटेड प्लांट एंड वेरी रिलेटेड लीप, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत जगह पे नहीं दिया है, तो ये इसका मीनिंग ये याद रखना। चलो अभी पहली एक्टिविटी देख लेते हैं, या एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो कि व्हाई द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड वेरी रिलेटेड लीव्स, विथ वेरी रिलेटेड लीव्स, मतलब पॉटेड प्लांट ले ला है लेकिन उसके क्या है, वेरी रिलेटेड लीव्स होने चाहिए, लाइक अ मनी प्लांट और क्रोटॉस। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज, हमें 3 डेज के लिए डार्क रूम में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको स्टार्च सब हमें निकाल देने हैं। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, विल कीप द प्लांट फॉर अबाउट 6 आवर्स इन अ सनलाइट, 6 आवर्स के लिए करेंगे। उसके हमें लीव्स प्लग करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, उसके लीव्स तोड़ के लेने पड़ेंगे। नाउ डीप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, वो जो लीव्स है उससे हम क्या करेंगे, फ्यू मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। अब वो बॉइलिंग वाटर में क्यों डालेंगे, टू किल द सेल ऑफ द लीव्स और टू स्टॉप द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए हम ये करेंगे, किसको, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब हम करेंगे पहले उसको बॉइल करेंगे कुछ देर के लिए, और वही लीव हम अल्कोहल में डालेंगे, किसमें डालेंगे, अल्कोहल में। यहाँ पे देखो बॉइल कर लिया, वही लीव ट्यूब में डाल के अल्कोहल में डालेंगे, और वो अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब है वो एक दूसरे बीकर में जहाँ पे वार्म वाटर है हो रहा है उसमें डालेंगे। अब ये क्यों करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल और जब गर्म पानी होगा ना, तो इसका जो लीव्स का कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर निकल जाएगा। सो टू रिमूव द कलर और टू रिमूव द क्लोरोफिल, उसमें से जो क्लोरोफिल रहेगा ना वो निकालने के लिए ये हम अल्कोहल में डालते हैं, किसमें डालते हैं, अल्कोहल में। अब इसका क्या हो गया, कलरलेस हो गया, पहले हमने उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप कर दी, बाद में हमने उसको क्या कर दिया, उसका कलर भी हमने कलरलेस कर दिया। और हम उसको बाद में क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, और उसको हम बाद में क्या करो, निकालो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेरी रिलेटेड लीव्स था, तो ये ग्रीन पार्ट है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च टेस्ट के बाद हमने जब क्या किया, उसको आयोडीन भी डाला, तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट है ना वहाँ पे ही ये सिर्फ ब्लू ब्लैक होगा, और जहाँ पे यहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं है वहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं होगा, वहाँ पे क्या नहीं होगा, ब्लू ब्लैक। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ उसको डिस्टार्च कर लिया था, और वो स्टार्च है वो ज़्यादा स्टोर नहीं किया उसने कई जगह पे, जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहीं पे उसने सिर्फ फूड प्रिपेयर किया। तो उसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पे उसने क्या नहीं किया, ग्रीन नहीं किया या स्टार्च नहीं बनाया, तो इस एक्टिविटी से यह प्रूव हो जाता है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी दूसरा एक्टिविटी में दिखा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी क्यों जरूरी है। टेक अप टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स ले लो, विच आर नियरली ऑफ अ सेम साइज, कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 डेज, क्यों, डिस्टार्च करने के लिए। नाउ हमें क्या करना है, दूसरा अलग अलग सेपरेट रखने हैं वो प्लांट्स एक सेपरेट प्लेट्स में, और उनको हमें क्या करना है, कवर करना, उसको वाच ग्लास बोल सकते हैं, ये जो है ना बाहर का बेल। अच्छा, पहले प्लेस ऑफ वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ, ये जो है ना, सॉरी ये वाच ग्लास है यहाँ पे, और उसमें हमने क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, क्या किया है उसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है इसमें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना तो उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए हमने एक इसमें क्या करा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है। और हम उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से कवर करेंगे, कुछ यहाँ पे वैक्स बीस से भी करेंगे, सो दैट नो कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी एंटर इनसाइड। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा उसमें, एक इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरे इसमें नहीं है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा थोड़ा पार, इसमें कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट को नहीं मिलेगा। यूज ऑफ वैसलीन टू सील द बॉटम, हमने देखा, कीप द प्लांट्स इन अ सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, उसके बाद हम दो घंटे के लिए उसको सनलाइट में रखेंगे। एक उसका दोनों में से दोनों के बैक एक लीफ क्या करो, प्लग कर दो। नाउ हमें क्या करना, डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हमें अभी इसका एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या मिलेगा पता है आपको, जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है
उसके ल्यूज़ ब्लू ब्लैक ज़्यादा नहीं होंगे या कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट के केस में है, यहाँ इसके केस में ये ज़्यादा ब्लू ब्लैक होंगे। क्यों? क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो ये क्या करेगा, स्टार्च प्रिपेयर करेगा, लेकिन इसको कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो इट विल नॉट प्रिपेयर द स्टार्च। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस केस में ब्लू ब्लैक नहीं होगा, इस केस में ब्लू ब्लैक होगा। क्या ब्लू ब्लैक होगा? ल्यूज, ल्यूज का जो है सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, ब्लू ब्लैक होना, वो स्टेप। तो फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च इन द लीफ डज नॉट टेक्स प्लेस विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। टेक अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन ल्यूज। अभी हमें सनलाइट के लिए देखना है तो वही है, पॉटेड प्लांट विद ग्रीन ल्यूज लेना है। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज डिस्चार्ज करने के लिए। अभी क्या करना है, जो ल्यूज है ना उसको क्या करो, बीच में इसे ही एल्यूमिनियम फॉइल, तो हमें क्या करना है, इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से उसको ल्यूज को, एक ल्यूज को रैप करना है। कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स के लिए रख दो। अभी इसको क्या करो, बॉइलिंग वाटर में रखो फॉर फ्यू मिनट्स। क्यों? टू किल द सेल्स ऑफ द ल्यू, टू स्टॉप द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अल्कोहल में रख के फिर से गर्म करेंगे, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था। तो उससे क्या हो जाएगा, टू रिमूव द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। तो इस केस में क्या देखेंगे आप, उसका रिजल्ट ऐसा रहेगा कि जहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल उसको रैप किया है ना, वो अगर उसके ऊपर हमने डिस कलरलेस होने के बाद, जैसे कि गर्म अल्कोहल में करने के बाद, जो ग्रीन पार्ट है या जहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल नहीं है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल रैप की है वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो लीफ विल बी ब्लू ब्लैक वेयर स्टार्च वाज प्रेजेंट वेयर एल्युमिनियम फॉइल वाज नॉट रैप्ड। तो उसका मतलब क्या है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस पार्ट में क्या है, हमने रैप किया इसलिए उसको सनलाइट नहीं मिली, और इसको सनलाइट मिली इसलिए यहाँ पे उसने स्टार्च प्रिपेयर किया, और यहाँ पे वो स्टार्च प्रिपेयर नहीं कर पाया। देखो अभी हमने 3 एक्टिविटीज देखी, लेकिन दूसरे एक्टिविटी में अल्कोहल या जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी थी ना, उसमें हमने ये स्टेप्स नहीं यूज किए। कौन सा, बॉइलिंग वाटर का, इसका, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ हमें ब्लू ब्लैक देखना था, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं था। इसलिए दूसरे एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बॉइल विल करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। चलो अभी रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? देखो अभी स्टोमेटा, आपने नाम सुना होगा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा और स्टोमा, ये दोनों भी आपको याद रखना है। स्टोमा क्या है, सिंगुलर है, और स्टोमेटा है प्लूरल। मतलब अगर एक होगा तो हम उसको स्टोमा बोलेंगे, इफ इट इज मोर देन वन नहीं उसको स्टोमेटा। तो जनरली स्टोमेटा ही बोला जाता है, लेकिन सिंगल होगा तो उसको स्टोमा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, स्टोमा। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ ल्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या स्टोमा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आता है ना ल्यूज के अंदर, वो इस ओपनिंग से आता है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये है ओपनिंग, और उसके अब बाजू में क्या रहेंगे, गार्ड सेल्स। ये जो दो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स डिपेंड अपॉन दीज टू गार्ड सेल्स। तो इसके किसके ऊपर रहेंगे, गार्ड सेल्स के ऊपर। जब भी वाटर विल एंटर इन साइड दीज टू गार्ड सेल्स, वेन वाटर फ्लोज इन टू गार्ड सेल्स दे स्वेल, कौन से ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, स्वेल एंड बिकम कर्ड, कॉज द पोर टू ओपन। तो ये क्या करेगा, पानी जाने के बाद स्वेल हो जाएगी वो ओपनिंग, और वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग को, सॉरी स्वेल होके स्टोमेटा ओपनिंग ओपन कर देगा। लेकिन जब पानी बाहर जाएगा किससे, गार्ड सेल से, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और इट विल क्लोज द स्टोमेटल ओपनिंग। तो इस तरह से आपको फंक्शन समझ में आ गया क्या, इसका किसका फंक्शन,
स्टोमेटा ओपनिंग का। तो स्टोमेटा ओपनिंग क्या करता है, वाटर फ्लोज इनसाइड इट विल ओपन, मतलब किसके अंदर पानी जाएगा, गार्ड सेल के अंदर। बच्चों सुनाई दे रहा है ना, अच्छी तरह से सुनो। व्हेन द वाटर मूव्स इनसाइड द गार्ड सेल देन द स्टोमेटा ओपनिंग विल स्टोमेटा विल ओपन एंड व्हेन द वाटर फ्लोज आउटसाइड देन द स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। सो लिसन केयरफुली, चलो आगे जाते। अब देखो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। सो व्हेन प्लांट्स डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये जो है ना स्टोमेटो ओपनिंग, उससे क्या होता है बहुत पानी लूज हो सकता है, इसलिए जब जरूरी नहीं रहता है ना तो ये स्टोमेटल ओपनिंग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे कि हमने डेजर्ट प्लांट के केस में देखा था कि ड्यूरिंग द डे टाइम जनरली दे क्लोज द स्टोमेटो ओपनिंग टू कंजर्व द वाटर। अभी देखो ये सिर्फ स्टोमेटो ओपनिंग्स है, ये सिर्फ लीव्स में ही नहीं रहता, ये कहीं कहीं जगह पे स्टेम्स में भी रहता है। इन एडिशन टू लीव्स स्टोमेटो ओपनिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन स्टेम्स, जहां पे ग्रीन कलर के स्टेम्स है वहां पे, और ग्रीन कलर के शूट्स में, उसको स्टेम्स को हम शूट बोलेंगे। सो द ग्रीन सेट आल्सो हैव कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो जो भी ग्रीन स्टेम्स रहेंगे वहां पे भी क्या रहेंगी, ये स्टोमेटा ओपनिंग्स रहेगी, और अगर स्टोमेटा ओपनिंग है मतलब क्या है, वो भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन आल्सो अब्सॉर्ब या दे कैन आल्सो टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, तो स्टोमेटा ओपनिंग कहाँ रहती है, अलॉन्ग विद द लीव्स स्टोमेटा ओपनिंग मे बी प्रेजेंट इन सम केसेस ऑन द स्टेम्स आल्सो या शूट्स। अब देखो स्टोमेटा ओपनिंग रहती कहाँ पे है, हमने देखा था डायग्राम में कि स्टोमेटा ओपनिंग्स आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। तो जहाँ पे ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स है, मतलब जहाँ पे पत्ते बहुत बड़े हैं, पत्तों का जो मतलब लीव्स का साइज बड़ा है, उस केस में क्या रहेगा, जनरली ऑन द लोअर सरफेस के लीव्स में स्टोमेटा ओपनिंग रहेगी। लेकिन जहाँ पे लीव्स का नैरो लीव्ड प्लांट, मतलब जहाँ पे लीव्स की साइज छोटी होगी, उस केस में क्या रहेगा, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब स्टोमेटा ओपनिंग दोनों साइड में सेम नंबर्स में हो सकता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लांट्स। तो मोस्टली जब बड़े पत्ते रहेंगे तो एक साइड में रहेंगे निचले साइड पे, लेकिन बड़े छोटे पत्ते रहेंगे तो ऑन बोथ साइड्स इक्वल नंबर में हो सकती है। अब देखो इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट में कैसे रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करेंगे, जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है पानी में का वही लेंगे वो। सो दे विल टेक द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स वाटर कैसे लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी देखो हमें पता है कि रूट्स क्या करेगी, दे विल एब्सॉर्ब द वाटर। लेकिन यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कंसेप्ट है ऑस्मोसिस का, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो ऑस्मोसिस मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा है और रूट के अंदर पानी कम होगा, तो वो डिफरेंस से क्या करेगा, द रूट विल एब्सॉर्ब द वाटर। और ये जाइलम टिश्यू, जो जाइलम टिश्यू क्या करती है, वाटर दे विल कैरी फ्रॉम रूट टू द स्टेम, स्टेम टू द लीव्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो क्या करेंगे, वाटर कैरी करेंगे, कौन से, जाइलम वेसल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइलम वेसल्स। इट विल रीच टू द लीव्स फॉर द फोटोसिंथेटिक सेल्स। ऑल्सो रूट्स क्या क्या कैरी करते हैं, द प्लांट्स मे टेक मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयन फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से कौन लेगा, ये रूट से लेगी। तो रूट से क्या क्या आएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयन मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल, ये रूट थ्रू ऊपर आएगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये कहीं बहुत सी जगह पे आपको मेंशन हुआ दिखेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है, नाइट्रोजन। तो जहाँ पे भी जो भी प्रोटीन, जैसे कि लिग्यूमिनस प्लांट्स रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। तो ये याद रखना कि प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन से। तो उसके बहुत से स्टेप्स है, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा है प्रोटीन बनने के लिए, इन केस ऑफ प्लांट्स इज द नाइट्रोजन। द प्लांट्स टेक अप द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कॉल्ड नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। जो फर्टिलाइजर के फर्टिलाइजर डाला तो नाइट्रेट या नाइट्राइट्स आएगा, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन कन्वर्ट करके सॉइल में डाल देगा,
क्योंकि वो रूट्स के पास ही रहता है ये बैक्टीरिया। और फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो डायरेक्टली रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोल सकते हैं, दोनों फॉर्म में ये रह सकता है सॉइल में। चलो अभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहता है, अभी तक जो भी देखा हमने वो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो अभी हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या है, हेटरो मतलब अदर, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, तो जो दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर देयर फूड। अब देखो कुछ केस में कुछ एनिमल्स है जो स्टेशनरी फूड खाएंगे, जैसे कि ग्रास या नॉन मोटाइल है, लेकिन कुछ जो जैसे कि लायन, लायन क्या करता है, डियर खाता है, तो वो क्या है, भागने वाला है। तो इस केस में मोटाइल नॉन मोटाइल फूड आइटम्स दोनों भी हो सकते हैं, तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखो अभी फूड आइटम कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब, उसके केस में माउल्ड्स ईस्ट आएगा। लेकिन सम एनिमल क्या करेंगे, पूरा का पूरा फूड बॉडी के अंदर लेंगे, बाद में उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करेंगे। तीसरा और एक टाइप है, कुछ एनिमल्स क्या करेंगे, वो सिर्फ एक लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट रहेंगे फॉर देयर फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली पैरासाइट बोलते हैं। तो उसके डिटेल टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर थ्री मेन टाइप्स, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये क्या हो गए, आपको पूछा गया व्हाट आर द हेटरोटाइप टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज मीन बाय सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइट। देखो पहले समझ लेते हैं सैप्रो का मीनिंग क्या है। सैप्रो का मीन्स रोटन, सड़ा हुआ, जो भी फूड आइटम या एनिमल सड़े हुए हैं उसके ऊपर ये एनिमल्स जिंदा रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रो मीन्स रोटन। तो उसका डेफिनेशन देख लेते पहले, फिर बाद में मैं आपको समझाता हूं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ अ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड। तो अभी इस केस में डिकिंग ट्रीज है, रॉटन लीव्स है, डेड एनिमल्स है, उससे क्या करेंगे वो, उसको क्या करेंगे, बाहर पहले ब्रेक डाउन करेंगे और उसकी जो एनर्जी है वो बाद में एब्सॉर्ब करके लेंगे। उसके लिए एग्जांपल कौन से है ना, इसके लिए फंगी लाइक ब्रेड माउल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट, ये सब फंगी के एग्जाम्पल्स, या कुछ बैक्टीरिया भी है जो सैप्रोटाइप। तो उसका जो अभी मैंने एग्जाम्पल किया था कि सैप्रोटाइप्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सबसे आउटसाइड देयर बॉडी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे बॉडी के बाहर और बाद में क्या करेंगे उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे, किसके केस में, सैप्रोट्रॉफिक के केस में। अभी जाते हैं पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब है जो कोई भी, दे डोंट किल दैट ऑर्गेनिज्म बट दे लिव ऑन दैट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपने पहले एग्जाम्पल देता हूँ फिर उस कंसेप्ट की तरफ आता हूँ। आपने सुना होगा कुछ वर्म्स होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर रह सकते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, तो वो हमें हार्म करते हैं लेकिन वो किल नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रिशंस लेते हैं। दूसरा सुना होगा जैसे जनरली औरतें या लड़के के बालों में लाइस, एक ऐसा कीड़ा रहता है जो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेता है लेकिन दे डोंट किल द दैट वुमन और गर्ल, तो वो क्या है, लाइस का, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो उसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from body of another living organism without killing it. मतलब वो क्या करता है, दूसरे एनिमल से उसका फूड ऑब्टेन करेगा विदाउट किलिंग इट। ये क्या होता है, रेडीमेड फूड रहेगा उसके लिए। तो अब उसमें से दो टर्म्स आती है, पैरासाइट, जैसे कि हमने देखा था ह्यूमन बींग के केस में वर्म्स होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या हो गया, होस्ट हो गया, क्योंकि वो फूड पर कड़ा है किसके लिए, वो वर्म्स के लिए, राउंड वर्म्स के लिए। The roundworms are the parasite and human body is the host. The organism which obtains the food, जो organism food को लेते हैं ना दूसरे के body से, उसको बोलते हैं, ready-made food को लेते हैं उसको बोलते हैं parasite, and the whose body is organism from which food body is obtained is called as the host. जिसके body से वो food लेते हैं उसको हम बोलते हैं host. Example, इसके लिए देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ फंगी के केस में भी है, बैक्टीरिया के केस में भी है। कस्कटाय अमरबेल, ये आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है,
क्या मर्वेल ये ट्री है कि दूसरे ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। प्लाज्मोडियम एंड राउंड वर्म्स, तो देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है ना, ये भी पैरासिटिक एनिमल है, जैसे वो मलेरिया डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। राउंड वर्म का हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, और कुछ जो पैरासिटिक एनिमल्स है सिर्फ पैरासाइट से, कौन से है, टिक्स, लाइस का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, लीचेस एंड टेपवर्म, ये डिफरेंट आर द पैरासाइट्स, इसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, मतलब जो दूसरे बॉडी से रेडीमेड न्यूट्रिशन लेगा। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। हॉलो का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये सॉलिड फूड लेगा दूसरे के बॉडी से। अभी लेकिन ये इतना नहीं है, उसकी मेन डेफिनेशन अलग है। अब देखो मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर बाद में हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। होलोजोइक मूड में क्या करते हैं एनिमल्स, यहाँ पे रेडीमेड सॉलिड फूड लेंगे, बॉडी के अंदर वो फूड लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फूड रहेगा, और बाद में ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाने के बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाद में उसका क्या हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन करेंगे उस फूड का, डाइजेस्टेड फूड का, एब्सॉर्प्शन के बाद पूरे बॉडी में वो एसिमिलेट होगा, और फिर बाद में अनडाइजेस्टेड फूड विल बी थ्रोन आउट। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस है, जो ह्यूमन बींग में भी रहती है, या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, जो डॉग, कैट, अमीबा, इसमें यही प्रोसेस रहती है। तो उसका भी अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, देखो, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इन टू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड and then absorbed into the body cells of the organism. तो क्या करता है, ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. जैसे कि हमने अभी मैंने आपको हिंदी में पूरा समझाया था, and undigested food is thrown out of the body. ये देखो यही प्रोसेस हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले, इसके अंदर 5 डिफरेंट स्टेप्स है, लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके स्टेप्स हम डिटेल में देखने वाले। मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, फिश, अमीबा, ये क्या हो गए उसके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन से नहीं बोल सकते, 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है, ये 3 टाइप्स के एनिमल कौन से। अभी हर्बीवोरस मतलब जो दे विल ओनली ईट द ग्रीन प्लांट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स विच ओनली ग्रीन प्लांट्स, कौन से, गोट, काउ, बफेलो, शीप। कार्निवोरस कौन से हैं, दोज एनिमल्स विच ओनली ईट द अनदर एनिमल्स एज अ फूड, उसको हम कार्निवोरस, क्या दे ओनली डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स, तो उसको मीट, फ्लेश, ये भी बोला जाता है अदर एनिमल्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस, जैसे कि लायन, टाइगर, ये कभी घास नहीं खाएगा लायन या टाइगर, फ्रॉग भी। ये क्या हो गए, सब के सब एग्जांपल्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो है कार्निवोरस। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस मतलब दे कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब जैसे कि मैन, अभी देखो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, प्लांट्स, सब्जियां भी खाते हैं, और या चिकन या फिश भी खाते, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जनरल ग्रुप को बोला गया है, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स के जनरल, ये सभी के सभी आपने ओमनिवोरस नहीं है ह्यूमन बींग्स। कुछ लोग हैं कि जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो नॉन वेज खाते हैं, उसको नॉन वेज बोलते हैं, किसको, चिकन को बोलो या फिश को बोलो, हम उसको जनरली नॉन वेज बोलते हैं। तो जो नॉन वेज या वेजिटेबल्स भी खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस। लेकिन हमें लिखते समय डेफिनेशन क्या लिखनी पड़ेगी, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस। देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन फिर से है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो मैंने आपको होलोजोइक के केस में बोला था, ये मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में, कौन सी है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो चलो वन बाय वन देखते हैं, व्हाट इज बाय इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, हम जब फूड इनसाइड द बॉडी लेते हैं ना, उसको बोलते हैं इंजेशन, बाय यूज ऑफ द हैंड इनटू द माउथ, ये क्या हो गया, इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड
इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, अभी हमने फूड अंदर तो ले लिया लेकिन उसको तो डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा ना। द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको पहले स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे जो वाटर सॉल्युबल्स हो गए, और बाद में उसको हम क्या करेंगे, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो डाइजेशन के दो मेथड्स है, कौन से है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड का क्या है डाइजेशन के केस में, फिजिकल मतलब जब हम माउथ में कुछ फूड डालते हैं ना तो हम फिजिकली उसको क्या करते हैं, ग्रिंड करते हैं या च्यूइंग करते हैं, तो उससे बड़े फूड आइटम को कम कर देते हैं। जैसे चपाती का हमने एक पीस लिया, बाद में उसको खाने लगे, सब्जी को खाने लगे या चपाती को, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रिंड करते हैं, च्यू कर देते हैं, बाद में उसको सलाइवा मिक्स हो जाता है, स्टमक में जाने के बाद कुछ और केमिकल्स या एंजाइम्स बोल सकते हैं उसको, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से उसको फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डाइजेशन। फिजिकल कौन से हो गए, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, केमिकल मतलब एंजाइम्स जो सलाइवा से लेके हम देखेंगे आगे कि स्टमक में भी कौन से रहते हैं। उसके बाद है एब्सॉर्प्शन। अभी हमने क्या किया, डाइजेस्ट तो फूड कर लिया लेकिन उसको तो अब देखो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है, वो ब्लड क्या करेगा, उसको फूड को एब्सॉर्ब करेगा, तो वो हो गया एब्सॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब अभी हमारे ब्लड में वो आ गया लेकिन पूरे बॉडी को अब सप्लाई तो करना पड़ेगा ना वो न्यूट्रिएंट्स या जो भी एब्सॉर्ब मटेरियल है वो, तो उसको ब्लड कैरी दिस एब्सॉर्ब फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड क्या करेगा, सब बॉडी के बॉडी को पूरा सप्लाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। वो किस किस के लिए यूज होगा बाद में, फूड एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ये फूड यूज होगा बाद में। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। तो जब हम टॉयलेट के लिए जाएंगे तब हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं इजेशन। देखो आपको स्टॉप करके ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन के, अगर लिखने हैं तो लिख सकते हो। न्यूट्रिशन इन अमीबा, हमने अभी जो होलोजोइक के 5 स्टेप देखे उसमें एक एग्जांपल था, अमीबा का भी था। तो अमीबा क्या करता है, सिमिलरली इट टेक्स फूड इनटू द बॉडी, लेकिन अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, स्यूडोपोडिया से अपना फूड ऑब्टेन करेगा। स्यूडोपोडिया मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। या अमीबा केस में वो फूड क्या करेगा, स्यूडोपोडिया उस फूड आइटम के जो नज़दीक आया उसको इनगल्फ कर लेगा, मतलब अंदर ले लेगा। बाद में डाइजेशन मतलब यहाँ पे ये जो है ना वैक्यूल जैसा, इसको जो व्हाइट स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे वैक्यूल। ये जो है ना इनसाइड द फूड वैक्यूल वो फूड डाल देगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिंपल सब्सटेंस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे उसका डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया उसका। ये डाइजेशन क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा मतलब एब्सॉर्ब हो गया, वही साइटोप्लाज्म से सभी बॉडी में एसिमिलेशन मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और बाद में जो अनडाइजेस्टेड उस वैक्यूल में है वो क्या हो जाएगा, बॉडी के पास आएगा। तो ये क्या हो गया, अमीबा का एग्जाम्पल हो गया कि हाउ इट ऑब्टेन्स इट्स फूड। जनरली ऐसा एग्जाम देखो, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेप्स फॉर द होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा विद द डायग्राम, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम फॉर इट। तो आपको ये टाइप की डायग्राम डालनी पड़ेगी, ये 5-6 स्टेप्स की जो भी है, और आपको ये लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। न्यूट्रिशन इन पैरामिशन, देखो हमें अभी क्या दिखा था, जो अमीबा रहता है ना उसका कहीं पे भी माउथ फिक्स नहीं रहता है, इट कैन टेक द फूड फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन पैरामिशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इट हैज फिक्स्ड माउथ, उसको क्या है, ओरल या माउथ जो है वो फिक्स है। तो इन पैरामिशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक पॉट। वो क्या करेगा, स्पेसिफिक पॉट से ही क्या करेगा, फूड लेगा, और देन इट विल बी गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी एंड देन एक्सक्रीटेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब फूड आइटम नजदीक आएगा ना इसका, यहाँ पे देखो आप उसके डायग्राम में देखो एक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलते हैं सीलिया। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया से क्या हो जाएगा, वो फूड उसको
यहाँ पे मुंह की तरफ उसको मूव करेगा, बाद में इट विल टेक इनसाइड द बॉडी। उसका हमारे ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसलिए यहाँ तक ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये माउथ है और यहाँ पे देखो यहाँ से एक्सक्रीशन के लिए एनल है, तो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये आपके दो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। चलो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, पहली चीज माउथ। अभी जो हमने होलोजोइक के 5 स्टेप्स देखे थे उसमें क्या क्या था, माउथ इंजेशन, माउथ से जो होता है वो इंजेशन। यहाँ पे दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है ईसोफेगस, उसके बाद है स्टमक, ये जो है ना अपना इसको स्टमक बोलते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर होता है उसको हम, यहाँ पे डाइजेशन होगा मेन। उसके बाद यहाँ से ये जो नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बीच में का, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से आएगा बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या क्या होगा, डाइजेशन होगा और एब्सॉर्प्शन भी होगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो एब्सॉर्प्शन है ना, वो सब का सब किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बाद में हो जाएगा वो एक्सक्रीट, इजेशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये यह डायग्राम याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी आपको 4 लाइफ प्रोसेस हम देखने वाले इस चैप्टर में, तो कुछ किसी की डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए उसका डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और बाद में आपको उसके डिटेल जैसे क्वेश्चन आएगा उसकी तरफ से लिखना भी पड़ेगा। तो इसलिए डायग्राम अभी से प्रैक्टिस चालू करो तो एग्जाम के एंड तक आपको आ जाएगा, 2-5 बार ड्रॉ कर लोगे तो ईजी है फिर बाद में। ठीक है चलो, अभी एक एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड। टेक 1 ml ऑफ स्टार सोल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब, एड 1 ml सलाइवा टू। देखो हमने क्या किया, स्टार सोल्यूशन लिया 2 टेस्ट ट्यूब में ए एंड बी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, 1 ml सलाइवा डाल दिया और हमने उसको क्या किया, 20 to 30 मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब रखा। उसके बाद हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन दोनों भी टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज। अभी क्या हो जाएगा, जिसमें हमने सलाइवा डाला है ना उसमें कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, और जिसमें सलाइवा नहीं डाला है वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन दिखेगा। कौन से इसमें ब्लू ब्लैक दिखेगा, जहाँ पे हमने सलाइवा नहीं डाला है। क्यों, क्योंकि स्टार्च का एक्शन होके, हमने देखा था कुछ एक्टिविटीज में भी स्टार्च और आयोडीन के हिसाब से कौन सा कलर होता है, जब स्टार्च और आयोडीन एक साथ आते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर बना देते हैं। तो इसी वजह से टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू एंड ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो जाएगा पता है क्या, उसमें कलरलेस क्यों हो रहा है, हमने उसमें क्या किया, सलाइवा डाला। सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करेगा, या स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसीलिए स्मॉलर उसमें तो स्टार्च नहीं रहा, तो स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन नहीं होगा और वो क्या रहेगा, कलरलेस लिक्विड रहेगा। तो हम उसके एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है, दिस इज द एनसीआरटी एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी याद रखना। दिस शोज दैट सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। हम अभी क्या देख रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन का प्रोसेस देख रहे हैं, तब ये डिटेल वन बाय वन देखेंगे। इंजेशन देखो आपके लिए ये डायग्राम, और ये मैं पैरेलली दिखा देता हूँ आपको। इंजेशन द ह्यूमन बींग्स, अभी देखो यहाँ पे इंजेशन माउथ से चालू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हाथ से माउथ में फूड डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड द टंग उसको हम क्या करेंगे, उस फूड को पहले च्यू करेंगे और बाद में वो आ जाएगा ईसोफेगस में। तो इंजेशन, इंजेशन के द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड एज द माउथ। ठीक है, तो इतना इंजेशन में सफिशियंट है। डाइजेशन, अभी डाइजेशन बहुत बड़े स्टेप्स है, ये दूसरी डाइजेशन जो स्टेप है। इन डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा आपके, माउथ से ही। कैसे, क्या, क्योंकि माउथ में एक ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे ग्रीन कलर की, इसे सलाइवरी ग्लैंड, ये एक एंजाइम सिक्रेट करेगी, उसको हम बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज माउथ में आने के बाद, ये हमने अभी देखा था एक्टिविटी में, स्टार्च को क्या करेगा, सिंपल में कन्वर्ट करना चालू कर देगा, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट रहता है। दूसरा और माउथ में क्या हो जाएगा, वी हैव द टीथ एंड टंग,
तो टीथ से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा फूड आइटम्स को ग्रीन करके उसको थोड़ा स्मॉल पार्ट्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो हम उसको जो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करें उद्यल्प ऑफ टीथ, उसको हम बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन कौन सा हो जाएगा, जो सलाइवा वाटरी लिक्विड है वो फूड के ऊपर आके उस एंजाइम से क्या करेगा, उसको डाइजेशन स्टार्च जो है उसको सिंपल में कुछ कन्वर्ट करेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन स्टिल इट विल स्टार्ट द डाइजेशन इन माउथ इटसेल्फ। नाउ स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज स्वालोड बाय द टंग एंड गोज डाउन टू द फूड पाइप। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है ना वो स्वालो करके नीचे आ जाएगा, किसमें, ईसोफेगस में। देखो अभी इपीग्लोटिस का इतना तो मेरे लिए यूज नहीं है, तो भी बताता हूँ ये क्या करेगा, फूड को बाहर आने से रोकेगा। इसीलिए यहाँ पे ना इपिग्लॉटिस एक्चुअली ये विंड पाइप और फूड के बीच में रहता है, उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है अपने इसमें, इसलिए मैं ज़्यादा उसको इलेबरेट नहीं करता हूँ, आपका आउट ऑफ सिलेबस जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से फूड से इसोफेगस से ये क्या करेगा, यहाँ पे कैसा रहता है, यहाँ पे जो मसल्स है ना ये इसोफेगस के, ये रेड कलर का जो है, इसकी ये मूवमेंट रहेगी नीचे ऊपर ऐसा थोड़ा या अंदर के अंदर, उसको हम बोलेंगे पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। यहाँ पे जो मूवमेंट होगी इसोफेगस में उसको बोलेंगे हम पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। जो सॉ फूड हो गया वो यहाँ से क्या करेगा, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट की वजह से यहाँ से ईसोफेगस से नीचे आएगा और बाद में आएगा स्टमक में, किस में आएगा वो स्टमक में। देखो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट पेरिस्टलेटिक, द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये जो स्टमक है ये देखो इस टाइप का जे शेप है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जे शेप्ड ऑर्गन, यहाँ पे जो स्टमक है वो। फूड इज अवेलेबल इन द स्टमक फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स के लिए क्या रहता है, फूड स्टमक में रहता है। अब यहाँ पे 3 गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे स्टमक में, जो स्टमक है ना वहाँ पे कौन से 3 गैस्ट्रिक जूसेस, उसके नाम याद रखना बहुत जरूरी है आपको। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन एंड तीसरा है म्यूकस। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है गैस्ट्रिक जूस को ये करता है एसिडिक बनाता है, और जो एंजाइम पेप्सिन है ना सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। एंजाइम पेप्सिन क्या करता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो ये क्या करेगा, एंजाइम पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, किसके वजह से, पेप्सिन की वजह से। और म्यूकस, अभी देखो म्यूकस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है बहुत स्ट्रांग रहता है, अगर किसी पे रहता तो जल जाएगा, लेकिन अपना पेट क्यों नहीं जलता है, क्योंकि जो जो म्यूकस है ना, म्यूकस ये जो है ना, म्यूकस क्या करेगा, ये स्टमक का जो इंटरनल लाइनिंग है ना वहाँ पे वो इसका एक लेयर बनाएगा स्टमक के अंदर लाइनिंग से, इसकी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक का जो रिएक्शन है ना वो स्टमक के ऊपर ज्यादा नहीं होगा। अभी दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन से काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं उसको किल कर देगा, और इट विल बी आल्सो हेल्प फॉर द डाइजेशन। तो किल्स द बैक्टीरिया एंड टू मेक द मीडियम गैस्ट्रिक, टू मेक द एसिडिक मीडियम, ये दो मेन फंक्शन हो गए किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक एंड किल्स द बैक्टीरिया। अगर हमारा म्यूकस नहीं होता तो वो क्या करना देता हमारे, लाइनिंग ऑफ द स्टमक लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। अगर म्यूकस किसी के पेट में अच्छी तरह से नहीं है तो उसमें अल्सर भी हो सकता है, क्या हो सकता है बीमारी, अल्सर, किसमें, स्टमक में। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम एंड पेप्सिन ने कैसे काम कर लिया, यहाँ पे उसके बाद स्लोली ये फूड क्या जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रहेगा, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब ये स्टमक क्या करेगा, स्लोली एक वॉल रहेगा स्फिंक्टर टाइप, ये स्लोली फूड को क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करना चालू कर देगा आफ्टर 3 आवर्स नियरली, स्फिंक्टर मसल, एंड इट विल रिलीज द फूड इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपना एलिमेंट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे जो लंबाई वाला पार्ट है, लेंथ जिसकी ज्यादा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बींग्स नियरली 6 to 6.5 मीटर उसकी लेंथ रहती है, किसकी, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ना स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे वो। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज, देखो अभी लेंथ के लिए तो लंबा है लेकिन आप उसको स्मॉल क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे स्मॉल मतलब उसका नैरो है, उसकी डायमीटर जो है ना कम है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद का उसकी डायमीटर ज्यादा है, उसका जो डायमीटर वाला पार्ट है ज्यादा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन।
कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, काऊ हो, इनके केस में क्या रहता है, जैसे कि काऊ का और टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं। काऊ क्या खाती है, घास खाती है, मतलब उसमें ग्रीनर ग्रीन ग्रास खाएगी तो उसमें सेल्यूलोज ज़्यादा रहता है, तो सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए टाइम लगता है। तो काउस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो लॉन्गर रहेगा, काउस का स्मॉलर इंटेस्टाइन क्या रहेगा, लॉन्गर रहेगा। लेकिन वही टाइगर के केस में मीट इज इजी टू डाइजेस्ट, मीट जो है नॉनवेज जो है वो क्या होता है, इजी डाइजेस्ट के लिए होता है, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन टाइगर का क्या रहेगा, शॉर्टर इन लेंथ, ये याद रखना। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जो ह्यूमन बींग का स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे 100% पूरा डाइजेशन बचा हुआ हो जाता है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह से जूसेस आते हैं, यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर का बड़ा दिख रहा है ना इसको लीवर बोलते हैं, और यहाँ पे जो छोटा है ना इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज और लीवर ये क्या करेंगे, कुछ जूस सिक्रेट करेंगे। जो जनरली लीवर के जूसेस रहते हैं वो स्टोर हो जाते हैं यहाँ पे देखो गॉल ब्लैडर, ये क्या करेगा, लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस, और वो कुछ डायरेक्टली जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, किसमें स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। तो देखो जूस देखते हैं अब, देखो यहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज दोनों के सोल्यूशन किस में आ जाएंगे, सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो दैट विल हेल्प फॉर द डाइजेशन। अब पहले देख लेते हैं लीवर के सिक्रीशंस कौन से, बाइल जूस है जो ग्रीनिश येलो लिक्विड रहता है, उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसके, जो लीवर का सिक्रीशन है उसके, कौन से यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट वाला है इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, हमने क्या देखा था स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है एसिडिक, लेकिन बाइल जूस है वो क्या बना देता है, अल्कलाइन। एंड दूसरा जो पॉइंट है, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स इनटू फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो क्या करता है यहाँ पे, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए बाइल जूस हेल्प करता है। अब उसके बाद देखते हैं पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, तीन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, कौन से हैं, वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये जो ट्रिप्सिन है ना ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, इसीलिए ये अल्कलाइन कर देता है क्योंकि ट्रिप्सिन को काम करने के लिए। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन द स्टार्च, अभी ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। एंड द लाइपेज, लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। अभी जो हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके वॉल्स में भी कुछ गैसेज जूस सिक्रेट हो जाएगा, जो एंजाइम्स रहेगा डाइजेशन के लिए, तो इसमें क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इंटू अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज आर द स्मॉल एंड वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, जो भी कन्वर्जन हुए हैं ना ये स्मॉल रहेंगे और वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अभी जो भी केमिकल डाइजेशन हुआ है ना, हमने जो एंजाइम्स देखे हैं उसको, द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्रॉट बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, जो है सब एंजाइम्स बोलेंगे उसको। कौन से एंजाइम्स हो जाएंगे, जैसे कि लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये जो हमने ऊपर भी देखे थे अदर सिक्रीशंस, दीज ऑल आर द एंजाइम्स। अब देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अलग स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेशंस हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके दिखाया है, ये अंदर रहेगा, इसको हम और मैग्नीफाई करेंगे तो ऐसा विलाय दिखेंगे, और हम सिर्फ एक ही विलाय को देखेंगे तो ये विलाय ऐसा रहेगा। ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इसके अंदर से ऐसा ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, इसके अंदर क्या रहेगी, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम अगर थोड़ा जूम करके देखेगा तो इस टाइप से दिखेगा, और ये स्मॉल विला है और उसके अंदर क्या रहेंगी, ब्लड कैपिलरीज। अभी उसका फंक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चल हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन चल हो जाएगा, देयर विल द मिलियंस ऑफ दिस स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे विलाय, और इस विलाय क्या करती है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि फॉर द रैपिड एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। किसके लिए? रैपिड एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्सॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इन टू आवर ब्लड। वो क्या जाएगा? बाद में ब्लड में जाएगा। तो कैसा है मतलब, यहाँ पे देखो डाइजेस्टेड फूड यहाँ से विलाय से आ जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से मतलब अपने वेन्स में आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो सब बॉडी बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फॉर टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेल्स। तो ये पूरे बॉडी को क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड में आया है वो सब बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब ये बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके लिए हम यूज करेंगे? टू ऑब्टेन एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमने ये पहले भी देखा था, जो भी एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड रहेगा जो हमें यूज नहीं करना है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये लीवर में स्टोर हो जाएगा और किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये याद रखना। और ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर हमारी एनर्जी बॉडी में ज्यादा लग रही है और डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल नहीं है तो बाद में वो यूज भी हो सकता है। बाद में है इजेशन। अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ न्यूट्रिएंट बचा है उसका न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन और वाटर का जो है वो रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो इन लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो थोड़ा न्यूट्रिएंट बचा हुआ वो या वाटर सब रीअब्सॉर्ब होगा, बाद में वो जाएगा रेक्टम में। जो देखो ये है लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे आएगा वो रेक्टम। रेक्टम मतलब यहाँ पे अपना बचा हुआ जो फूड है, अपना इंजेक्शन वाला जो फूड है अनडाइजेस्टेड, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। एंड देन व्हेन वी विल गो टू द टॉयलेट देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन उसके लिए भी क्या रहता है, हम दिस इज ह्यूमन कंट्रोल ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। उसके बाद क्या बोलते हैं? एनल स्फिंक्टर। एंड जो प्रोसेस है टू थ्रोइंग आउट दिस फीसेस और स्टूल, इसको हम बोलते हैं इजेशन या डिफिकेशन। जो फूड बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इजेशन या डिफिकेशन। तो देखो ये जो हमने अभी देखे है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप एक डायग्राम याद रखोगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट फॉर्म में, इस टेबल के फॉर्म में मैंने आपको दिया है, या आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, एंड देन यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। देखो डेंटल कैरीज। अब हम क्या करते हैं, डेंटल कैरीज का मतलब है कि ये टीथ से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे राइट साइड में आप डायग्राम देखो, ये है बोन, बोन के ऊपर गम्स रहेंगे और उसके यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर रहेगा। ये रहेगा पल्प जिसमें ब्लड कैपिलरीज नर्व सेल्स रहेंगी, उसके ऊपर ये बोन का एक लेयर रहेगा डेंटिन, और ये इनेमल। देखो ये टूथ इनेमल जो रहता है ना, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड रहता है। कौन सा पार्ट? ये टीथ का जो ऊपर का आउटर कवरिंग है इनेमल। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम जब फूड आइटम खा लेते हैं ना, तो ठीक है फूड आइटम जब खा लेते हैं तो वो शुगर ही हो गए, तो उससे क्या पड़ता है, एसिड बनता है। और वो एसिड और वो जो फूड आइटम है अगर वो टीथ इनेमल को चिपक गए, तो जो अपना बॉडी जो माउथ का सलाइवा होता है, वो जो बेसिक ही नेचर रहता है, वो क्या करेगा, जहाँ पे फूड आइटम चिपका हुआ है वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुगर ने क्या कर दिया, शुगर आइटम में एसिड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूथ डिकेइंग चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, टूथ को मतलब खराब करना चालू कर देगा टूथ इनेमल को। तो ये जो कैल्शियम का बना रहेगा उसको क्या करेगा, ये पूरी की पूरी तरह खराब करना चालू कर देगी। इट विल बी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन अगर हमने जो फूड आइटम्स को ब्रश कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा और वहां पे सलाइवा से ये न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट्स वाई वी शुड ब्रश एटलीस्ट टू टाइम्स अ डे, जब हम रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अगर टूथ इनेमल भी क्या हो गया, खराब हो गया, और बाद में ये जो दूसरा लेयर है ना उसका डेंटिन, ये भी बोन जैसा रहता है हार्ड, उसको भी वो खराब कर देगा, यहाँ तक अपने को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ये पल्प में आएगा ना, पल्प आर द नर्व सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे जब ये कैविटी आएगी तब हमें तकलीफ होना चालू हो जाएगा।
द पल्प कैविटी कंटेन द नर्व एंड द ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड सेल जहाँ पे आती है तब देन वी विल हैव द सेंसेशन। हमने ये ऑलरेडी देखा है। तो जो है ना, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली तो देन स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स आर कॉल्ड एज डेंटल प्लॉक। जो फूड आइटम स्टिक हो जाएंगे ना हमारे टीथ को, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटल प्लॉक। और जो हमने देखा कि अल्कलाइन सलाइवा क्या होगा, उस टाइम रीच नहीं होगा, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा देख लिए अच्छी तरह से।